एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन मूविंग पैरेलल टू ईच अदर. In the same direction, with equal momentum, with equal momentum, enter into a uniform magnetic field. Which is at right angles to their velocities. Trace their trajectories in the magnetic field. So let us see. Diagram कुछ question में given नहीं, अपनी मर्जी से आप कोई भी diagram ले सकते हैं. This is the field. Suppose I am taking myself the cross field, that is field is moving inside the plane of paper, और trajectory बनाना है. We can see the force formula is Q V cross B. And since electron and proton both are the same charge magnitude, the force is going to be same because so I just need to understand solution 12. So we have an electron and we have a proton. Trajectory banani, this is mass of electron, velocity upon bq, whole divided by mass of proton, velocity bq. So they have given momentum is same. So momentum got cancelled, magnetic field same they cancelled, or charge to same hota hi hai. So ye bhi कैंसिल. तो जो रेडियस होगा वो दोनों का सेम होगा. बट एज वी नो दैट द फोर्स फॉर्मूला इज फॉर इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई वी क्रॉस बी, फॉर प्रोटॉन एंड फॉर प्रोटॉन इट इज गोइंग टू बी प्लस ई वी क्रॉस बी. तो डायरेक्शन वाइज इट इज गोइंग टू चेंज. रेडियस तो सेम ही आया है, डायरेक्शन वाइज इज गोइंग टू चेंज. सो लेट अस सी हाउ. सो इफ आई टेक अ क्रॉस फील्ड, सपोज एंड आई एंटर एन इलेक्ट्रॉन, लेट अस सी द फोर्स. सो फोर्स इज माइनस ई वी आई क्रॉस बी माइनस के, बिकॉज आई हैव टेकन मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड. क्रॉस का मतलब इनसाइड. सो माइनस एंड माइनस बिकम प्लस, इट बिकम्स ई वी बी आई क्रॉस के माइनस जे. तो इलेक्ट्रॉन विल मूव इन दिस डायरेक्शन एंड एग्जीक्यूट अ लूप. माइनस जे मतलब नीचे जाएगा ना, बट इट विल अल्टीमेटली एग्जीक्यूट अ लूप. ऑब्वियसली फॉर प्रोटॉन यू डू नॉट नीड टू कैलकुलेट, ऑलरेडी गॉट द आइडिया. इट विल बी लाइक दिस. तो दिस इज द ट्रैजेक्टरी. दिस ट्रैजेक्टरी इज क्लॉकवाइज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज.